सो ओके गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। भाई अभी अभी गाड़ी में बैठा हूँ। संडे आज 4 बज रहे हैं, लेट उठा था और एक दोस्त को वादा किया हुआ था कि तुमसे मिलूंगा भाई पंजाबी बाग में, बट मैं भूल गया था। बट अभी अभी याद आया, फिर फटाफट तैयार व्यार होकर घर से निकला हूँ ओट्स खाते ही, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ते कुछ भी हो जाए। और भाई गाड़ी में बैठा, गाने ही नहीं चल रहे, यूट्यूब प्रीमियम के पैसे ही नहीं भरे हुए। इतने लापरवाह दोस्त है मेरे, मटके भोसड़ के जल्दी पैसे भर, तेरे ही तो प्रीमियम चला रहे हम। तो चलो अब जो भी है, गाने तो चल नहीं रहे, तो तुम्हारा भाई सोच रहा कि ब्लॉग स्टार्ट करूं। और अब आज आ गए, फिर तुमसे मिलता हूं अभी पंजाबी बाग, ऐसे ही कहीं बैठेंगे बातें बातें करेंगे। कॉलेज की फ्रेंड है बहुत पुरानी, तो मिल लेते हैं। अच्छा लगता है पुराने दोस्तों से मिलके, क्योंकि दोस्त और दारू सिर्फ पुरानी अच्छी है। ठीक है चलो, ना प्यार से डर लगता है ना लड़ाई से, बस ये जो पंजाबी बाग का जाम है ना, इससे डर लगता है भाई। ये देखो हाथ जोड़ दिए हाथ, प्लीज ये वाला जाम खत्म करो, जो भी है ये पुल वुल बनाओ खत्म करो भाई, गांड फट गई है इधर। तो भाई अब तुम्हारा भाई आ गया पटेल नगर, और यहाँ पे लैला की वेट कर रहा हूँ। लैला जैसी आएगा फिर चलेंगे जिम। जीन्स पहनी हुई है, मैंने कहा भाई मेरे घर से वो लिया पजामा, फिर सीधा जिम करेंगे, क्योंकि कल वर्कआउट हो नहीं पाया, कल पार्टी वार्टी में पूरा दिन निकल गया, और मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए भी था, वरना मैं करता ना पूरी बॉडी दौड़ती। आ जाए आर्म्स डे, बढ़िया सा आर्म्स वर्कआउट करते हैं, और जिम खाली होगा तो एक फायदा होगा कि तुम्हें भी अपना पूरा वर्कआउट दिखाऊंगा। बाकी मिला आज मैं, मतलब 4-5 साल नहीं 4-5 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2-3 साल बाद मिला एक दोस्त से। कुछ दोस्त होते हैं ना जिनसे बात बात नहीं होती, बट बॉन्ड सेम रहता है, चाहे साल बाद बात करो 2 साल बाद बात करो, जो तुम्हारा भला जाता है तुम्हें पता है। तो वैसी ही वो लड़की थी, उससे मिला और वहाँ पे एक दो दोस्त और थे, तो बढ़िया मज़ा आया। अब देखते हैं वर्कआउट वगैरह करते हैं। अच्छा दिन स्टार्ट हुआ आज का, पुराने दोस्तों से मिले, बातें बातें करी, कैसे भाई अब क्या उनके आगे, मतलब उनके लिए नया है कि जैसे बंदे आगे फोटोज वोटोज खिंचवा रहे थे वहाँ पे, भाई बंधु में तुम मिल रहे थे सारे, तो उनको देख के वो भी खुशी हो रही थी। तो बंदों की चेहरों पे देख के पता लग जाता है कौन तुम्हारे लिए खुश हो रहा है कौन नहीं हो रहा। अब कुछ कुछ देख के सड़ते हैं कि भाई अच्छा ऐसे फोटो खिंचा, कुछ खुश होते हैं, तो वो जो खुश होते हैं बंदे उनको लव यू, जो सड़ते हैं उनको भी लव यू यार, तुम्हारा भी भगवान भला करे। तल्लो तो भाई अभी खाली पहली एक्सरसाइज है मेरी, और आज बहुत ही तगड़ा बम मारा है, क्योंकि आज मैं रेप्स कर रहा हूँ 40-30-20-10, 40 से स्टार्ट 10 पे खत्म, और गांड फाड़ बम मारा है। ट्राई करना एक्सरसाइज सारी दिखाता हूँ। पहली है ट्राइसेप की, दोनों ऊपर लगा के तो भाई अपनी सेकंड है बाइसेप की क्रीचर, ये ऊपर करके ताकि एंगल बढ़िया बने। अब दूसरा सेट है, तो 30 रेप मारने हैं, और तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे आएंगे लास्ट के रेप। फट के चार, ऐसे लग रहा है किसी ने गरम गरम कुछ लोहा लगा दिया है, पूरा ब्लड फ्लो आज अलग है। और ट्राई करना प्लेटिनम जो हिट हो जाता है ना उसका, बता दियो जब 20 रैप हो जाए। चलिए नंबर दे लेना, ऊपर दे दिया ऊपर। तो भाई ये थी थर्ड एक्सरसाइज। तो भाई अब है अपनी बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज, और टोटल 4th एक्सरसाइज है, इसका दूसरा सेट है, जिसका 30 रेप मारूंगा। पंप इतना गंदा है वो तुम देख के पता लग जाएगा, मतलब ये पकड़ा भी नहीं जा रहा। टोटल 6 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें से 3 बाइसेप की और 3 ट्राइसेप की। 3 ट्राइसेप जो भी हम लास्ट हैमर मारने और खत्म करना है, इतना कम हो गया, वो भी कर रहा हूँ ना, बहुत दर्द हो गया पता नहीं आज, तो 18 इंच लग रहा है मेरे को कैमरे में, दिख नहीं रहा मेरे को, नॉर्मल बड़ा होता हूँ पूरा बड़ा लग रहा है। अब
लास्ट एक्सरसाइज तो भाई सालों बाद हुआ ढंग का वर्कआउट डांस का, क्योंकि वो टाइम डांस कर नहीं रहा। अब तुमसे कल मिलूंगा, आज हाथ दर्द हो रहे हैं, रिकवरी वगैरह थोड़ा अपना टाइम है, ठीक है, कल मिलते हैं आराम से। चलो तो भाइयों कल एक बहुत ही पावरफुल वर्कआउट करने के बाद, पावरफुल कैसे कह रहा हूँ भाई, क्योंकि जब कर रहा था तब इतना तगड़ा बम्प आ रहा था और अब मेरे हाथ सीधे नहीं हो रहे, बहुत ही मस्त, मतलब जो सोरनेस मिलती है ओबली मिली हुई है। तो मैं आपको कहता हूँ एक बार जरूर ट्राई करना, ये था DTP वर्कआउट, जिसको डायरामेटिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल या ड्रास्टिक ट्रेनिंग प्रिंसिपल ऐसा कुछ है क्रिस गैथिन का, जिसमें हाई रेप्स होते हैं, ये आपके जॉइंट्स वगैरह के लिए बढ़िया रहता है, कभी किसी को इंजरी वगैरह हो तब यूज़ कर ले, या कभी वो क्या कहते हैं नॉर्मल ट्रेनिंग से बोर हो गया हो तब यूज़ कर ले, आपको एक अलग ही पंप मिलेगा, तो ज़रूर ट्राई करना। बाकी दूसरी बात जो आपसे करनी है, आप सबको पता है कि मैं एज इट इज़ प्रमोट करता हूँ, और उनका एक नया सप्लीमेंट जो इस महीने मेरे पास आया है वो है एल कार्निटिन। अब एल कार्निटिन के बारे में काफ़ी बंदों को पता ही है ऑलरेडी कि ये थोड़ा बहुत आपको फैट लॉस पे आपकी हेल्प करता है, बट इसके और भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है। ये करता क्या, बेसिकली जो आपके फैट सेल्स होते हैं उसको एनर्जी में यूज़ करने में आपकी हेल्प करता है, बट कुछ कुछ ऐसा भी कहना है कि ये बहुत ही मिनिमम काम आता है। तो भाई सारे सप्लीमेंट्स बहुत ही मिनिमम काम आते हैं, पहले आपकी होती है डाइट, दूसरी आपकी होती है ट्रेनिंग, इन दोनों के बाद ही आप फैट लॉस कर पाओगे, ये बस आपको हल्का सा हेल्प करते हैं। तो एल कार्निटिन अगर आप अपनी डाइट में ऐड करना चाहते हो, ये आपको आपकी वर्कआउट वगैरह जब आपका ऑन द पॉइंट चल रहा है, सब डाइट ऑन द पॉइंट चल रही है, उसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आपके फैट लॉस जर्नी में और आपको ओवरऑल हेल्थ में। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें आपको 60 कैप्सूल्स मिलती है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा वहाँ से खरीद सकते हो। सिर्फ फैट लॉस ही नहीं है, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है, स्पेशली जिनके बॉडी के एल कार्निटिन लेवल लो होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसकी जो MRP है वो 640 कुछ है, और आपको जब भाई का कूपन कोड लगाओगे तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो कूपन कोड लगाना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा वहाँ से आप खरीद सकते हो, 60 कैप्सूल मिलते हैं और एज इट इज़ अपने बजट फ्रेंडली साथ ही साथ ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स के लिए जाना जाता है। तो ये GMP सर्टिफाइड है, इस पर कोई भी हैवी मेटल यूज़ नहीं होता, साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट टेस्टेड होता है, तो आपको जो लिखा होता है जितना अमाउंट में जो भी लिखा होगा वही सब मिल रहा होता है। तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से खरीदो अगर आप अपनी डाइट पे ऐड करना चाहते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का आगे का दिन। तो भाई मैं निकल गया था घर से कि थोड़ा बहुत माहौल वाहौल हो, मैं तो पैदल घूम रहा था, मेरे को पता था कोई ना कोई मिल जाएगा, तो ये मिल गया, इसने छोड़ दिया जिम के नीचे, अब यहाँ से निकल जाएंगे कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और। और पैदल इसलिए चल रहा था क्योंकि मेरा जिम में तो कार्डियो कभी होता नहीं और बंदी भी नहीं है ऐसे मौसम में जो कार्डियो होगा, तो पैदल चल के ही होता है। तो भाई अभी हम आ गए ईस्ट, 10-15 मिनट यहाँ पे 100 लड़कियाँ देखेंगे, फिर चलेंगे तो ये तो 96 रह गई, फिर देख के फिर आगे चलेंगे, क्योंकि देख है भाई कैसी बातें करने लगी है, मटके तू पागल हो गया, इसकी दाढ़ी कटी है जब से, दिमाग भी गिर गया साथ में, लड़कियाँ बोल दे मिल्फ कहने, देख लेंगे उसको भी काउंट कर लिया। एम्पायर सुबह एक चीटोस लेके खिला रहा है भाई, भाई 20 रुपए तो नहीं लेगा ना हमसे, कोई नहीं यार। तो भाई समझने के लिए ये समझो कि चीटोस 500 का आता है और इसको लगा कि 20 का आएगा, ठीक है। चीटस कैंसिल अभी इधर लगा 20 रुपए का है। पढ़ा भी तू? अब पता था हमें, तो तभी तो तेरे से बजले तेरे को नॉर्मल वीडियो में थोड़ी लगे फोन पर है का बोलता है यार। ओए पाजी आ गया ठा ठा भाई पाजी, एक एल ही 20 रुपए का लेना नहीं है, खरीदांगा भरा। हाँ 20 रुपए का ले ले। हाँ खरीदे। शर्म आती है तेरे को? आती है मंगला। 20 रुपए नहीं खर्च कर सकता? 200-300 की चीज़ें मंगेगा करना। 20 रुपए का ले दे, ऐ ले दे यार। तू ले दे, बिल करा दे। तू ले दे यार। पैसे दे रहे हैं, करूँ नहीं करा सकता? तू करा दे, प्राणी है। लेनी दूर बिल कराने बुलाया। मैं बिल नहीं करा सकता यार, प्राणी है, करा दे। एक प्राणी है। फिर कोई नहीं भाजी, मैंने तो बातें सुनी थी। कोई नहीं भाजी, कोई नहीं। हाँ किन्ने दा पंजा रुपए का होगा, ले ले 50.0 50
स्वेटर पे क्यों नहीं है दुकान ले पागल हो गया तू बड़े भाई यही वाला चीटर इसने और मैंने अकेले खत्म कर दिया था तो हमारा थोड़ा था वो एक फ्रेंड थी हमारी उसके घर ले गया था ये भाई ये लेके गया था वो आपने सही कह रहा है सारे नाम मेरे पे लगा दे वो आपने एबीटी वाला व्लॉग देखा होगा डिग्री नहीं आई पापा सॉरी डैडी डिग्री नहीं मिली डिग्री दे के आई तो सॉरी पापा सो गाइस दिस इज माय प्री वर्कआउट मील 6 एग वाइट्स ब्रदर विल गिव मी यहाँ पे डाइट चल रही है तेरे को मोमोज खाने हैं कम व्लॉग्स देखा कर हमारे हैं क्या कह रहा था मोमा खान की उम्र में मोमोज खा रहे हैं कहाँ गया था डर तो नहीं तेल के ले ले आया अभी मन नहीं भरा तेरा दरवाजा तो लेता पहले भाई पाजी को ट्रेनर ने कहा ग्रीन्स खाओ पाजी ग्रीन मोमोज आने लग गए हमें डिप्रेशन हमें वो नहीं चाहिए यार उनकी वीडियो लिफ्ट पे रोक देता हूँ चल एक और आ ले आया बस बहुत बढ़िया चल 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 उठ उठ बहन के चू बढ़िया भाई जो भी कर लो स्क्रीन से मत होना So guys, अपना वर्कआउट हो गया बहुत ही बढ़िया ढाई घंटे तुम्हारा भाई जोन में था कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई एक आधी होगी अगर तुमने देख ली होगी तो और अब देखते हैं कुछ खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे एक ड्राइवर बुला लिया मैंने वरना दिखा शकल इसकी चल चल तेरी ये क्या कर रहा है बहन के लफड़े ड्राइवर को छोड़ पागल कर गई इसको देखो स्लीव्स पहन के बैठा बैठ चकले यार अरे यार स्कूटी चला रहा फोन मुंह में रख के सब पागल हो गए भाई अब बंद करके बताऊंगा रीजन बता क्यों नहीं उतार पाए अबे बंद करे तभी तो बताऊंगा अच्छा वो बैठी थी भाभी भाई हमारे ग्रुप में सबसे पागल ये था अब इसने ले लिया ओवरटेक कर लिया पागल पर हंसी मजाक का पॉजिटिव ये डेड हो चुका हर बात पे गाली देता है जय गाली भाई गाली और गंदी बातें करता है लाइक मैं आ रहा हूं क्या बोलता है भाई चोमी दैट चोमी वो पता नहीं क्या-क्या बोलता है चोमी दैट चोमी वो मैंने कहा चोमिन चोमिन क्या कर रहा है पागल हो गया तू अपना इलाज करा ले तो ठीक है भाई यही था आज की वीडियो और कल आएगा बढ़िया व्लॉग क्योंकि कल हम सारे जा रहे हैं वृंदावन डन हो गया किशन जी का बुलावा आया हुआ है वहां पे जाएंगे कल वृंदावन का व्लॉग लाते हैं मैंने बहुत टाइम से जाना था बट कल 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 हो जाना था अब कल फाइनल है कल जाएंगे घर जाके एक बार बोलते थे बाकी तुमसे मिलेंगे कल कीप लविंग कीप सपोर्टिंग जय श्री कुछ ऐसे बंदे हैं गोवा के लिए रेडी हो जाते हैं छः छः दिन के लिए बट वृंदावन नहीं चलते शोरूम में बैठो वेले की नहीं कर रहा थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी तीन बटन से